वो क्या बात है यार, व्यू चेक करो यार, व्यू चेक करो। हाय 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 हाय, ये हवा, ये ठंडी हवा और ये नज़ारे, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। हसन रियाज़ साहब की एक और एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत मैं कहता हूँ कमाल का मौसम है। बादल आए हुए हैं, बारिश वाला मौसम है। और ये जो आज की राइड है, मैंने एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आज जुमा भी है, जुमातुल मुबारक है, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि जुमे वाले दिन इंशाल्लाह तो क्या आप गैस करके बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, या थोड़ा सस्पेंस में रखूं, देख लें। वैसे भी चलें यार, सस्पेंस क्या रखना है यार, बता देते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं जा रहा हूँ पाकपतन शरीफ। मेरा इरादा बना एक दिन पहले ही कि जो जुमातुल मुबारक है वो इंशाअल्लाह ताला पाकपतन में पढ़ेंगे और दरबार शरीफ पर हाज़िरी देंगे। और बस आज आपको पाकपतन शरीफ दिखाते हैं। और अभी तकरीबन क्या टाइम हो गया, 9:09 बजे अभी। तो मैं घर से निकला हूँ, मैंने कुछ अपनी चीज़ें, ये मेरा बैग है, बैग में डाली हैं कुछ, मतलब माइक वगैरह है और कुछ मास्क वगैरह है। तो रात को मैंने कल को मैंने कुछ सर्च करके वहाँ पे जो शॉप कीपर हैं, कल जो है मतलब तकरीबन दोपहर में, मैंने उनको कॉल करके पूछा था कि दरबार शरीफ में हाज़िरी की इजाज़त है या नहीं। तो उन्होंने कहा था भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग आ जा रहे हैं। तो रात को ही बड़ी खुशखबरी की, जो खुशी की खबर है कि गवर्नमेंट ने जो है तमाम जो है लॉकडाउन को वो एक दफ़ा उठा दिया है, मतलब स्कूल्स और के अलावा तकरीबन हर चीज़ ही ओपन कर दी है। ख़ास तौर पर जो मेरे लिए खुशी की बात है, और जो जितने भी बाइकर्स हैं, जितने भी ट्रैवलर्स हैं और जितने भी हैं, उनके लिए खुशी की खबर यही है, ये है कि जनाब जो है टूरिज़्म को ओपन कर दिया गया है। जितने भी पार्क सियाहत वाले इलाके हैं उन सब को अल्हम्दुलिल्लाह ओपन कर दिया गया है। तो हम तो बाइकर्स हैं, मतलब मैं बाइक पे मेरा जो प्लान बनेगा, जो भी बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि बाइकर्स को है जो अलाउ है या नहीं है, उस सिलसिले में अभी वो नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा कि भाई कहाँ किस हद तक जो है वो रिलीफ मिला है। तो बहरहाल ये भी बहुत बड़ी बात है कि टूरिज़्म ओपन कर दिया गया है। तो जब गवर्नमेंट को मतलब इसका अनाउंसमेंट हो गई है, तो इसमें कुछ पहले तो चलो होता था ना, गवर्नमेंट ने ऐलान नहीं किया, नहीं यार जाना है या नहीं जाना है, कैसे जाना है, रोक लेंगे। तो अभी आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अभी तकरीबन 1.5 माह पड़ा है, 2 माह या तकरीबन अपना जनाब तैयारी शारी शुरू कर लें, हैं जी, और जनाब तैयारी शुरू करें और अब हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला, सिचुएशन को देखते हुए कहीं ना कहीं पे टूर लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, लॉन्ग टूर जिसे बोलते हैं। साहिवाल हम पहुंच चुके हैं तकरीबन, अब मेरा ख्याल है साहिवाल से रास्ता निकलता है पाकपतन शरीफ को, वो पता नहीं बाईपास से निकलता है शायद, कोई बात नहीं पूछ लेते हैं। हेलो जी, पाकपतन रोड आ चुका है और हमने यहाँ से लेना है टर्न।
कहाँ से लें? वो आगे यार, वो जहाँ से ट्रक जो है वो मुड़ा है। हाँ एक दफ़ा गाड़ी पे ऐसे शायद ये रोड सीधा जा रहा है जी पाक पतन शरीफ को, डबल है अभी। हाँ जी ये रोड सीधा पाक पतन को जाता है। बाइक पे हो तो भाई स्टे करना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, स्टे जो है बहुत ज़रूरी हो गया है। यस मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। गाइस इतनी ठंडी हवा चल रही है कि आप सोच नहीं सकते, और दूर खेतों खेत देखें कैसे जनाब ज़बरदस्त तरीके से, क्या बात। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक पतन शरीफ पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम सीधा जाएंगे दरबार शरीफ पे, वो नज़र आ रहा है जो मीनार बना हुआ है मस्जिद का है दरबार शरीफ का है। और मेन गेट पता नहीं किधर है, वो शायद आगे है। हाँ इधर ही जाना है। हसन मोबाइल, मेरे नाम से शॉप भी है यार यहाँ पे। आई एम वेरी लकी। अरे यार गेट कौन सा है, मैं दरबार शरीफ के मैं पहुंच चुका हूं। और हाँ इधर से दरबार शरीफ में पहुंच चुका हूं। नीचे आते हुए बड़ी सख्ती थी, सख्ती मतलब उन्होंने मेरा बैग भी ले लिया, उसमें माइक वगैरह था वो भी ऊपर लाने की इजाज़त नहीं है। तो अच्छी बात है, सख्ती करनी चाहिए। तो फ़िलहाल इस वक्त सिर्फ मैं सेल फ़ोन ही ला सकता हूँ, सेल फ़ोन की इजाज़त है, सेल फ़ोन से आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। बाकी वो माइक और बैग वगैरह वो मेरा नीचे ही उन्होंने जमा कर लिया था। तो अभी जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको व्यू दिखा देता हूँ दरबार शरीफ का। तो जुमा है, रश भी काफ़ी है, तो मैं आपको कुछ शॉट दिखाता हूँ दरबार शरीफ के और इसके जगह जगह पर जो है। ठीक है जी, ओके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
कोविड के सिलसिले में जो है वो आगे जाने की इजाज़त नहीं है, तो उसके आगे बस जो है वो चलना लाचा चा